दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ वेस्ट बंगाल के एक ऐसी डेस्टिनेशन पर जो कि ना केवल वेस्ट बंगाल बल्कि इंडिया के फेमस हिल स्टेशन में से एक है। इस प्लेस का नाम है दार्जिलिंग एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको दार्जिलिंग के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताने वाला हूँ जहाँ आपको जरूर विजिट करना चाहिए। मेरा नाम है रजत एंड आप देख रहे हैं सैटरडे शूटर्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहली डेस्टिनेशन जहाँ आप विजिट कर सकते हो वो है टाइगर हिल पॉइंट। ये हिल हाईएस्ट पॉइंट है दार्जिलिंग का जिसकी हाइट है 8,500 feet और यहाँ से आपको दार्जिलिंग का बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने को मिल जाएगा। इस पॉइंट की एक चीज और फेमस है वो है यहाँ का सनराइज जिसको बहुत सारे लोग देखने आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सुबह काफी ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ का ये व्यू सच में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पर आने के लिए आपको ट्रैक करके आना होगा और अगर मैं बात करूँ सनराइज की तो अराउंड 6 बजे यहाँ पर सनराइज होना स्टार्ट हो जाता है। आपको अगर सनराइज देखना है तो आप यहाँ पर 5:30 बजे के आसपास पहुँच सकते हो ताकि आप सनराइज मिस ना करो। और आपको एक चीज मैं और बता दूं कि यहां से आपको कंचनजंगा पीक्स भी देखने को मिल जाएंगी जो कि 28,000 फीट की ऊंचाई पर है। अगर आप लकी हुए तो आपको एवरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ये प्लेस अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करना और यहां का सनराइज व्यू मिस बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट प्लेस जहां विजिट कर सकते हो वो है रॉक गार्डन। जैसा कि इसका नाम है रॉक गार्डन, ये गार्डन रॉक्स को कट करके बनाया गया है। यहां पर आपको बहुत सारे फ्लावर्स ट्रीज भी देखने को मिल जाएंगे एंड ये गार्डन बहुत ही सुंदर लगेगा आपको। ये गार्डन दार्जिलिंग का फेमस पिकनिक स्पॉट भी है और यहाँ पर आपको वॉटरफॉल भी देखने को मिलेगा जो कि इस प्लेस की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये प्लेस दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर यहाँ आने की टाइमिंग्स की बात करूँ तो आप इस गार्डन में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि दार्जिलिंग फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए एंड दार्जिलिंग से टी बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। यहाँ पर आकर आपको टी प्लांटेशन भी देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही सुंदर और हरी भरी लगती है क्योंकि सितंबर के टाइम वहाँ पर पूरी हरियाली हो जाती है जिससे आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छा वैली व्यू देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर कुछ शॉप्स भी मिल जाएंगी जहाँ से आप टी पी सकते हो और टी गार्डन का व्यू एंजॉय कर सकते हो। यहाँ आपको टी प्लांटेशन में से निकली हुई टी लीव्स मिल जाएंगी जिसे आप परचेज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस की टी लीव्स हैं जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज पर केजी एंड यहाँ पर आपको 32,000 रुपीज पर केजी के हिसाब से भी टी लीव्स मिल जाएंगी। आप अपने हिसाब से टी लीव्स परचेज कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जहाँ विजिट कर सकते हो वो है पीस पगोड़ा। ये जापानीज टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये टेम्पल जापान बुद्धिस्ट जी की निगरानी में बना था। ये टेम्पल मॉल रोड के पास है और इस टेम्पल तक आपको ट्रैक करके जाना होगा एंड ये टेम्पल दार्जिलिंग से थोड़ी नीचे जाकर है। यहाँ पर आपको बुद्धा की गोल्डन मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी। इस टेम्पल की हाइट है 94 फीट और यहाँ पर आपको बहुत ही शांति महसूस होगी एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है। यहाँ आकर आपको नेचर का सीनिक व्यू भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अमेजिंग व्यू लगता है एंड यहाँ पर क्राउड भी कम आता है जिससे आप इस प्लेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो और थोड़ी देर रिलैक्स भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी और वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप दार्जिलिंग कब जा रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है बतासिया लूप। ये प्लेस दार्जिलिंग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है एंड ये प्रेजेंट है घूम डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आपको एंट्री की टिकट भी लेनी होगी जो कि है 30 रुपए पर पर्सन। ये एक बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है जिसके बीच में रेलवे का एक लूप बना हुआ है और यहाँ पर टॉय ट्रेन भी आती है। ये ट्रेन कोल से चलती है एंड यहाँ पर इंडियन मेमोरियल भी बना हुआ है। ये गार्डन आपको इसलिए भी ब्यूटीफुल लगेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। यहाँ से आपको माउंटेन पीक्स भी देखने को मिल जाएगी जैसे कि कंचनजंगा पीक्स एंड यहाँ आना एकदम वर्थ है। बतासिया लूप पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए दिख जाएंगे जिसपे आप शॉपिंग कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है घूम मोनेस्ट्री। ये प्लेस 7 किलोमीटर दूर है दार्जिलिंग से और ये प्लेस आप टाइगर हिल विजिट करने के बाद भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी व्हाइट मोनेस्ट्री विद गोल्डन टॉप एंड यहाँ पर आपको बुद्धा जी की 26 फीट बड़ी मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर लामाज और मॉन्क्स की चैंटिंग भी सुनाई देगी जिससे कि आपको वहाँ का स्पिरिचुअल माहौल देखने को मिलेगा जिसे आप वहाँ रहकर फील भी कर सकते हो।
इस मोनेस्ट्री के राइट साइड पर कैफे भी बना हुआ है जो कि सुबह सुबह ओपन हो जाता है जो लोग टाइगर हिल सनराइज देखने जाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है दार्जिलिंग रोपवे। ये रोपवे स्टार्ट हुआ था 1968 में और ये इंडिया का फर्स्ट केबल कार सिस्टम था। ये बेसिकली फेमस है अपने टी गार्डन और दार्जिलिंग के पैनोरामिक व्यू के लिए जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग होता है। ये राइड 8 किलोमीटर की है जिसमें आप 6 पर्सन एक टाइम पर बैठ सकते हो। यहाँ से आपको विंटर्स में स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे और तो और आपको यहाँ से ब्रेथ टेकिंग वैली व्यू भी नजर आएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस रोपवे में जरूर जाना क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग राइड होने वाली है आपकी दार्जिलिंग के ट्रिप में। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जो कि है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसको आप टॉय ट्रेन रेलवे भी बोल सकते हो। और अगर आप ट्रेन के स्टीम इंजन की राइड का मजा लेना चाहते हो जो कि सिटी के बीच में से होते हुए जाती है तो आप ये राइड ले सकते हो। बात करूं इसके प्राइस की तो ये 1500 रुपए पर पर्सन की राइड है और ये ट्रेन राइड बतासिया लूप से एक राउंड काट कर जाती है जो कि मेन अट्रैक्शन है। उसके बाद ये आगे घूम स्टेशन पर लेकर जाती है जो कि सी लेवल से 7000 फीट से भी ज्यादा है और वहां से आपको राउंड कटवा कर वापस ले आती है। एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि ये स्टेशन इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। मेरे हिसाब से इसका प्राइस काफी ज्यादा रखा गया है लेकिन ट्रेन राइड में आपको मजा आ जाएगा। इसके बाद आप जा सकते हो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसको दार्जिलिंग जू भी बोला जाता है। ये जू 1958 में ओपन हुआ था और ये जू इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड जू है जिसकी हाइट है 7000 फीट और ये जू 67 एकर्स में बना हुआ है। ये जू फेमस स्पॉट है दार्जिलिंग का और यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्रीड भी देखने को मिल जाएगी एनिमल्स की, जैसे कि स्नो लेपर्ड, रेड पांडा एंड और भी बहुत सारे एनिमल्स। बात करते हैं यहाँ की टाइमिंग्स की तो आप यहाँ पर सुबह 8:30 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी भी टाइम विजिट कर सकते हो और यहाँ की एंट्री टिकट है 20 रुपए पर पर्सन। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो। दिल्ली से दार्जिलिंग की दूरी है 1500 किलोमीटर। आप यहाँ पर बस, ट्रेन या फिर प्लेन से आ सकते हो। बात करें दार्जिलिंग के नियरेस्ट एयरपोर्ट की तो वो है बगदोगरा एयरपोर्ट। उसके बाद एयरपोर्ट से 70 किलोमीटर की दूरी आप टैक्सी से कवर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ टैक्सी की प्राइसिंग की तो आपको 3500 रुपीज में आपकी पर्सनल टैक्सी मिल जाएगी एंड यहाँ से आप शेयर टैक्सी में भी जा सकते हो जिसके चार्जेस हैं 400 से 500 रुपए पर पर्सन। आप यहाँ पर बस से भी आ सकते हो लेकिन उसके लिए आपको सिलीगुड़ी तक आना होगा जिसका डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। अगर बात करूँ ट्रेन की तो इंडिया के बड़े शहरों से आपको जलपाईगुड़ी तक ट्रेन मिल जाएगी जो कि लगभग 100 किलोमीटर दूर है दार्जिलिंग से एंड जलपाईगुड़ी से आप दार्जिलिंग तक बस से आ सकते हो। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कहाँ स्टे कर सकते हो। आपको दार्जिलिंग में रूम इजिली अवेलेबल हो जाएंगे और आपको यहाँ पर होटल्स चीप प्राइसेस में भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सीजन के टाइम पर जाओगे तो आपको होटल्स के प्राइस थोड़े से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन फिर भी सर्च करने पर आपको 1000 से 1200 रुपए में एक अच्छा होटल मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस साल एंड उसके आगे के ट्रिप प्लान्स किए हुए हैं। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स के लिए। तो ये थी दार्जिलिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी और वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।